आपको बता दें कि मदनपुर पंचायत के पार्ट नंबर 5 के प्रेस रोड गली में आज तक कलियुगी माँ अपने ही 5 माह के पुत्र आदर्श कुमार को गला दबाकर हत्या करती है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस निरीक्षक विजय शंकर सिंह और थाना अध्यक्ष आनंद कुमार गुप्ता मौके पर पहुंचकर सबको अपने कब्जे में लेते हुए आगे की प्रक्रिया में जुट गए हैं। और वहीं मां के रिश्ते को कलंकित करने वाली महिला को हिरासत में ले लिया गया है और गहन तरीके से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल मामला पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। औरंगाबाद से विनय प्रसाद साहू की रिपोर्ट। मामला है अरविंद कुमार की पत्नी है, अरविंद कुमार जो CSP चलाता है SBI क्रियामा में, इसका अभी जल्दी में ही 2-4 बार पंचायती भी किया हूँ। तो इसको घर में बराबर लड़ते रहती थी, कभी अरविंद का कपड़ा काट देना या सामान को फेंक देना, सब्जी बनाने के लिए आता था वो भी फेंक देता था। तो हम लोग सोचे कि एक साथ है घर में, इन लोग रह नहीं रहा है, लेकिन इसको अलग हम लोग डेरा विनोद मित्रा जी के मकान में, जो पूर्व मुखिया हैं उनके मकान में हम लोग इन लोग को डेरा करवा दिए। डेरा करवाने के बाद कि बराबर खाना नहीं बनाना, और होटल से खाना लेकर के इसका पति जाता था अरविंद, और ये जाता था तो ये दरवाज़ा भी नहीं खोलती थी, जैसा कि आज मालूम हुआ कि सारे लोग सुबह में जब 9 बजे दरवाज़ा 8 बजे के लगभग में सुबह में आज की बात है खोले दरवाज़ा, तो 2 लड़के उसी स्कूल में पढ़ते हैं, इसका 2 लड़का और है, एक लड़की है एक लड़का है, तो उन लोग को भी पढ़ाई। क्या कितना बजे आपको? हम तो गए जब रूम खुलवाए 8 बजे, तो उस समय जाकर देख रहे बाबू पे, तो देख रहे उसको बुक नहीं कर रहा था। पहले से कोई विवाद हुआ था? कुछ नहीं हुआ था, कल तक ठीक था। आपसे बातचीत होती थी पत्नी से? हाँ, लेकिन हमको से कल झगड़ा कर चाकू लेकर दौड़ी, तो हम हट गए, शांति हो जाते थे, हम कर जाना थे कि हमें बाबू के साथ ऐसे कर देंगे।